हेलो गाइस, आज अपन फोटोशॉप में पोस्टर डिजाइन सीखेंगे, चाहे वो गेम का कवर पेज हो या किसी मैगजीन का कवर पेज। यहाँ पे मैंने तीन इमेज यूज़ करी है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सेकंड इमेज पे जाना, इसको अपन ब्लैक एंड वाइट करेंगे, तो एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट होगी, तो दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करना है, जिससे वन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मूव टूल से अपनी मेन इमेज पर लेके आना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है और कंट्रोल टी करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ये ऊपर वाली जो लेयर है, बैकग्राउंड लेयर, इसको नीचे की तरफ ले लें, यानी मॉडल दिखती रहनी चाहिए हमेशा। अपन को कंट्रोल जे करना है और मेन लेयर को हाइड कर देना है। देन फिल्टर पे जाना है, स्टाइलाइज पे जाना है और डिफ्यूज पे आपको क्लिक करना है। डिफ्यूज़ के अंदर एनिसोट्रोपिक पे आपको सेलेक्ट करना है और देन ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वापस से फिल्टर पे जाना है, शार्पन पे जाना है और अनशार्प मास्क पे क्लिक करना है। अनशार्प मास्क के अंदर आप चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, या फिर मैंने जो करा है वो आप ले सकते हैं। वापिस से फिल्टर, स्टेलाइज और इस पर अपन को जाना है ऑयल पेंट। ऑयल पेंट के अंदर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वॉल्यूम रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो रखा वो भी कॉपी कर सकते हैं आप। लास्ट वाले पे अनचेक रखना है, देन ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल जे करना है, फिल्टर पे जाना है, गैलरी और आर्टिस्टिक के अंदर कटआउट के अंदर जाना है। कटआउट के अंदर वापस से कटआउट पे जाना है और इस टाइप का दिखना चाहिए। यहाँ पे वापस आपको कटआउट के अंदर जाना है और यहाँ पे 7 कर देना, क्योंकि 7 वाला कलर यानी 7 कलर आप लेना चाहते हो, ऐसा है ये। तो ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद ओपेसिटी थोड़ी कम कर देना, ये सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। उसके बाद जाना बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, फिर फिल्टर, स्टेलाइज और ऑयल पेंट पे क्लिक करना है। ऑयल पेंट भी आप इसमें भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाना है और कलर लुकअप पे क्लिक करना है। कलर लुकअप के अंदर अपन लेंगे लेट सनसेट। यहाँ पे 3D लेआउट में अपन यहाँ पे लेट सनसेट लेंगे, उससे ये इफेक्ट मैजिक टाइप इफेक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद वापस से फिल्टर पे जाना है, गैलरी और आर्टिस्टिक पे जाना है। आर्टिस्टिक के अंदर वापस से कटआउट पे जाना है और वही वॉल्यूम सेट रहने देना और ओके पे क्लिक कर देना। देन आपको वापस से कलर लुकअप पे जाना है, इन लेयर का ग्रुप क्रिएट कर देना पहले, उसके बाद क्योंकि अपन ग्रुप पे कलर लेआउट करेंगे, तो कलर लुकअप पे जाना है और कलर लुकअप के अंदर जाके इस बार क्रिस्प वॉर्म करना है, क्योंकि अपन बैकग्राउंड पे भी क्रिस्प वॉर्म देना चाहते हो, मॉडल की इमेज पे भी क्रिस्प वॉर्म देना चाहते हैं, इसलिए अपन ने ग्रुप क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पे इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पे कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये इफेक्ट यहाँ पे तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने और भी वीडियो पोस्ट कर रखी है, बहुत सारी 100+ वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, तो विजिट करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।